आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे इंग्लिश में बात करते हैं। आपके मन में भी आता होगा कि आपके बच्चे या आप खुद ऐसे इंग्लिश में बोल क्यों नहीं पाते, है ना? आखिर बच्चों को इंग्लिश बोलना कैसे सिखाएं? तो इसका जो है आंसर बहुत ही इजी है, प्रैक्टिस। ये मैंने आपको पिछली बार भी बताया था, प्रैक्टिस। और दूसरा है लिसनिंग, ठीक है? आपको क्या करना है, सुनना है, प्रैक्टिस करना है और अपने बच्चों से इंग्लिश में ही बात करना है। यहाँ पर कोई ग्रामर नहीं सीखनी आपको, जस्ट क्या करना है, लिसनिंग और प्रैक्टिस, ठीक है? अगर सपोज आपको इंग्लिश आती है तब तो कोई बात नहीं, आपको अपने बच्चों से इंग्लिश में ही बात करना है। आप जैसा एटमोसफियर दोगे बच्चों को, बच्चे वैसे ही बनते हैं। तो अगर आप इंग्लिश में बात कर रहे हो तो बच्चे इंग्लिश में ही बात करेंगे। सपोज आपको नहीं आती है तो आपको यहाँ पर जो है प्रैक्टिस करनी है, जो आपको आगे कराया जा रहा है वो सारे सेंटेंस को प्रैक्टिस करना है और फिर आपको अपने बच्चों से वैसे ही इंग्लिश में बोलना है, ठीक है? स्टार्ट करते हैं। तो इसके पहले मैं बता दूं, स्टार्ट करने के पहले, कि पार्ट वन में भी हमने मोर देन 30 सेंटेंस, छोटे छोटे से वाक्य जो है वो प्रैक्टिस किए हैं। तो अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आई बटन में दे देंगे और उसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे देंगे, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। तो ये स्टार्ट करते हैं। पापा से पूछो, पहला सेंटेंस है आज का, पापा से पूछो। तो उसको हम आज से कैसे कहेंगे, आस्क पापा। अगर आपको कहना है पापा से पूछो तो आप बच्चे से कैसे कहोगे, आस्क पापा, ठीक है? मेरे पास आओ, बच्चे को हम हमेशा कहते हैं ना मेरे पास आओ, चलो मेरे पास आ जाओ। अब इसे हम कैसे कहेंगे, कम टू मी, कम टू मी, प्रैक्टिस करना है, कम टू मी, ठीक है? नेक्स्ट सेंटेंस है, आप बहुत टीवी देखते हो। हम बच्चों से कहते हैं ना आप बहुत टीवी देखते हो, अब उसको हम कैसे कहेंगे, यू वॉच टीवी अ लॉट, यू वॉच टीवी अ लॉट। देखिए सेंटेंस है, आपको प्रैक्टिस करना है। सपोज आपको लग रहा है मैं फास्ट जा रही हूँ तो आप इसकी स्पीड को कम करके देख सकते हैं या अदरवाइज आप वापस से रिवाइंड करके देख सकते हैं। अगला सेंटेंस ले लेते हैं, मुझसे बात मत करो। हम बच्चों से कभी कभी गुस्सा हो जाता है या बड़ों से भी कहते हैं ना मुझसे बात मत करो, उसे कैसे कहेंगे, डोंट टॉक टू मी, डोंट टॉक टू मी। आपको भूख लगी है, हम पूछते हैं ना कि आपको भूख लगी है क्या, अब उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, आर यू हंग्री, आर यू हंग्री। बच्चे को ऐसे ही पूछना है आपको, आर यू हंग्री, ठीक है? अगला सेंटेंस है, आपको प्यास लगी है। हम बच्चों से पूछते हैं ना कि आपको प्यास लगी है तो कैसे बोलेंगे, आर यू थर्स्टी, आर यू थर्स्टी, ठीक है? अगला सेंटेंस ले लेते हैं, आपको नींद आ रही है। अगर आपको बोलना है आपको नींद आ रही है क्या, तो उसको हम कैसे बोलेंगे, आर यू फीलिंग स्लीपी, आर यू फीलिंग स्लीपी, क्लियर है, आर यू फीलिंग स्लीपी। अगला सेंटेंस ले लेते हैं, आप क्या खाना खाना चाहते हो। कभी कभी बच्चे से पूछना क्या खाना है भाई, आपको क्या खाना चाहते हो आप, उसको हम कैसे कहेंगे, व्हाट डू यू वांट टू ईट, व्हाट डू यू वांट टू ईट, ठीक है, व्हाट डू यू वांट टू ईट। इसमें अगर आपको पढ़ने नहीं भी आता है तो आप सुनकर इंग्लिश बोल सकते हो, ठीक है? आप क्या खाना खाना चाहते हो, व्हाट डू यू वांट टू ईट, व्हाट डू यू वांट टू ईट, ओके? सेंटेंस ले लेते हैं, ये कहाँ से उठाया। कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, कोई चीजें उठा के ले आते हैं, अब उसे हमें कैसे बोलना है, वेयर डिड यू पिक इट फ्रॉम, वेयर डिड यू पिक इट फ्रॉम, ठीक है, क्लियर है, वेयर डिड यू पिक इट फ्रॉम। अगला सेंटेंस ले लेते हैं, अपने हाथ दिखाओ। हम बच्चे से कहते हैं ना अपने हाथ दिखाओ, अब उसे कैसे कहेंगे, शो योर हैंड्स, शो योर हैंड्स। अगला सेंटेंस ले लेते हैं, पापा को काम करने दो। बच्चे कभी कभी परेशान करते हैं तो हम कहते हैं पापा को काम करने दो, कैसे कहेंगे, लेट पापा वर्क। ये तो बहुत छोटा सा है, लेट पापा वर्क, ठीक है, लेट पापा वर्क। अगला सेंटेंस ले लेते हैं, क्या ढूंढ रहे हो। बच्चे का कुछ ढूंढ रहे होते हैं, ढूंढ रहे होते हैं अक्सर, देखो घर में वो कुछ ना कुछ ढूंढ ही रहे होते हैं, तो हमें बोलना है क्या ढूंढ रहे हो, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, उसको आप कैसे कहोगे, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर। अगला सेंटेंस ले लेते हैं, मम्मी को सोने दो। अक्सर ये समस्या होती है, बच्चे सोने नहीं देते हैं, अब इसको कैसे कहेंगे, मम्मी को सोने दो, लेट मम्मी स्लीप, लेट मम्मी स्लीप, ठीक है, लेट मम्मी स्लीप, लेट माँ स्लीप, ओके, लेट मॉम स्लीप, ऐसे भी आप बोल सकते हो। अगला सेंटेंस ले लेते हैं, आपको वॉशरूम जाना है, क्या आपको वॉशरूम जाना है, इसे कैसे कहेंगे, डू यू वॉन्ट टू गो टू वॉशरूम, डू यू वॉन्ट टू गो टू वॉशरूम, क्लियर है,
डू यू वॉन्ट टू गो टू वॉशरूम? अगला सेंटेंस ले लेते हैं, मुझे तुम पे गर्व है या मुझे तुम पर गर्व है, उसे कैसे कहेंगे? आई एम प्राउड ऑफ यू, आई एम प्राउड ऑफ यू, आई एम प्राउड ऑफ यू। अगला सेंटेंस ले लेते हैं, अपने हाथ धोए तुमने? ये तो हम रोज ही पूछते हैं खाने से पहले बच्चों को, है ना, जाओ हाथ धो कर आओ, क्या आपने हाथ धो लिए तुमने? अब उसे कैसे कहेंगे? डिड यू वॉश योर हैंड, डिड यू वॉश योर हैंड, डिड यू वॉश योर हैंड। ठीक है, अगला सेंटेंस ले लेते हैं, मेरी गोद में आ जाओ। छोटे बच्चों से हम कहते हैं ना, मेरी गोद में आ जाओ। गोद को हम इंग्लिश में कहते हैं लैप, तो इसे हम कहेंगे कम इन माई लैप, कम इन माई लैप। ठीक है, अगला सेंटेंस ले लेते हैं, इसे तोड़ मत देना। बच्चों से हम अक्सर ही कहते हैं, अगर वो कोई चीज उठा ले तो हमने उसे कहते हैं इसे तोड़ मत देना। उसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे? डोंट ब्रेक इट, डोंट ब्रेक इट, डोंट ब्रेक इट। ठीक है, अगला सेंटेंस ले लेते हैं, छींकते हुए अपने मुंह को ढको। कहते हो ना, छींकते हुए अपने मुंह को ढको, इसे कैसे कहेंगे? कवर योर माउथ वाइल स्नीजिंग, कवर योर माउथ वाइल स्नीजिंग, कवर योर माउथ वाइल स्नीजिंग। अगला सेंटेंस ले लेते हैं, टॉफी किसने दी? अगर आपको पूछना है टॉफी किसने दी, कैसे पूछोगे? हु गेव यू द कैंडी, हु गेव यू द कैंडी, हु गेव यू द कैंडी। अगला सेंटेंस ले लेते हैं, दरवाजा बंद करो, दरवाजा बंद करो, इसे हम कैसे कहेंगे? क्लोज द डोर, या आप इसे कह सकते हैं शट द डोर, दोनों ही करेक्ट है, क्लोज द डोर या फिर शट द डोर। ठीक है, अगला, अपने पापा के पास जाओ, गो टू योर पापा, गो टू योर पापा। अगला सेंटेंस ले लेते हैं, तमीज से बात करो, तमीज से बात करो को क्या कहेंगे हम? बिहेव योर सेल्फ, बिहेव योर सेल्फ। अगला सेंटेंस है, इसे खो मत देना, इसे खो मत देना, या आप कभी कभी कहते हैं ना घुमा मत देना, डोंट लूज इट, इंग्लिश में हम इसे कहेंगे डोंट लूज इट। अगला सेंटेंस ले लेते हैं, आप बहुत बहादुर बच्चे हो, आप बहुत, हमें हमेशा अपने बच्चों को अप्रिशिएट करना चाहिए। ठीक है, तो आप बहुत बहादुर बच्चे हो को हम क्या कहेंगे? यू आर वेरी ब्रेव किड। अगर आपको गर्ल लगाना है तो यू आर वेरी ब्रेव गर्ल, बॉय लगाना है, लड़का है, तो आपको बोलना है यू आर वेरी ब्रेव बॉय, और किड भी कह सकते हैं यू आर वेरी ब्रेव किड। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। और अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज हिट द लाइक बटन, नहीं पसंद आता है तो डिसलाइक करिए, ताकि हमें पता चलेगा कि वीडियोस कैसे बन रहे हैं। और उसके बाद में जो है कमेंट करके बताइए आपको कैसा लग रहा है, या अगला कौन सा टॉपिक चाहिए आपको, किस टॉपिक पे हम वीडियो बनाएं। और नेक्स्ट, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।